अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, जे जे सी फूड की तरफ से आपका होस्ट जवाद जावेद चौधरी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। वालेकुम अस्सलाम। और आज मैं बिग मैन को अपने साथ फिर पकड़ लाया हूँ क्योंकि इसके अलावा वीडियो बनाने का मजा भी नहीं आता। सही है, और आपने देखा होगा मैं वीडियो भी बहुत कम अब बनाता हूँ, बिल्कुल नहीं बना, क्योंकि जब पार्टनर साथ नहीं आता तो ये बिजी होता है, तो इस वजह से मुश्किल हो जाता है वीडियो बनाना। तो वीडियो बनाने का भी मज़ा नहीं आता, खाने का भी नहीं, खाने का भी मज़ा नहीं आता। ऐसे ही है, तो इसीलिए आज मौका मिला है हमें दोबारा से क्या कहते हैं कबाड़ा करने का किसी रेस्टोरेंट का। 3-2-1 क्योंकि रमज़ान है तो बूफे चल रहे हैं यहाँ पे आसपा भुट्टो पार्क में, मिक्स ग्रिल, तो यहाँ पे हम आए हैं, यहाँ का बूफे मिक्स प्लेट है, मिक्स ग्रिल है, अच्छा स्मोकिंग ग्रिल वो है, स्मोकिंग ग्रिल है, मिक्स प्लेट। तो यहाँ पे आए आज हम इनका बूफे ट्राई करेंगे और देखेंगे इनका टेस्ट कैसा है। शायद ज़ाहिर है बूफे में बहुत सी चीज़ें होती हैं, उस तरह हम रिव्यू ना दे सकें, हो सकता है हम पहले खा लें उसके बाद आपको बताएं कि ये चीज़ अच्छी थी, आए ना आए, मर्जी है कि नहीं है। और मेन्यू तो आपको दिखाएंगे कि क्या क्या इनके मेन्यू में। तो अभी टाइम तकरीबन 6:15 हो गए हैं, 6:30 का टाइम है। उमर भाई और एहसन भाई, क्या बात है, बड़े लोग हैं, पर पता नहीं वो अभी आए भी हैं या नहीं, हमें भी बाहर ही अभी चलते हैं, उन्हें देखते हैं और आपको भी साथ दिखाते हैं। चले आ जाएंगे। ये देखें जी, ये अभी आ रहे हैं जो हमसे पहले होने चाहिए थे इधर। खजूर, ये क्या बस खजूर ही बजी है, सब कुछ खाली है, ये हम कर रहे हैं। ये जी हमारा पहला बूफे और ये आगे चाट। हसन भाई ये आप चाट डाल लें, ये यहाँ पे भी एक चम्मच डाल दो, बस 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 पीछे हटो, ये इधर भी डालनी है। समोसे कहाँ से लिए हुए? वो उधर आगे बढ़े हुए मलाई बोटी आगे, वो रेशमी कबाब है मेरे ख्याल से, वो भी डालो, बस 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 अभी वो डालो। अपने लिए भी इधर ही डाल लो फिर कर लेंगे। ये जी इफ्तारी हम ले आए, ये पकौड़े नहीं थे, ये आगे पकौड़े भी, ये फ्रूट चाट कबाब मलाई बोटी समोसा पकौड़े, ये सब यही कुछ लेके आए हैं। अभी मायूस हुए हैं वैसे, अभी तक नहीं, बेहतर मलाई बोटी मजे की है। असल में जैसे हाथ रखा तो मैं हाथ साफ करने के लिए मुंह में डाल ये जी अभी पास्ता आ गया, आप उसके चाट में जुड़े हुए हैं। मैं भी बना रहा हूँ। आ अमर भाई नहीं प्लेट है, कब्जा करो इतने बजे जानी है छड़े, जितने मुड़ जाए जितने का मुड़ जाते ऐसा कब्जा कर ही लगा। एक डिनर नाल ही शुरू हो गया, नमाज का टाइम ही को नहीं गया ना, मैंने तो कहा पढ़ो। आलू भुजिया, आलू भुजिया है भी खत्म, चावल पास्ता यही है मेरा, चिकन ही वही है, ये पकौड़े अच्छा वो फ्राइड चिकन, ये आप आलू ही तो नहीं है, ये भी यार कुछ सब्जी लगती है, फिर से वेजिटेबल लग रहा है, इन्हें भी वो उमर भाई कुछ नहीं होना है, चावल वो खत्म हो गए लेने के लिए क्या यार, वैसे इन्होंने मायूस किया, ये भी कुछ है मैं डूंगे चुको रहा, ये ग्रीन को हसन भाई आप कह रहे थे वो इसमें माहौल है पेस्ट्रीज वगैरह हैं, वो देखें पेस्ट्रीज किधर गई, वो लेके आएंगे ना
और आइए कुछ और आप तो नहीं खाएंगे। चलो अच्छा जी, बुफे हमने खा लिया है और ओवरऑल टेस्ट तो इनका खाने का अच्छा था, लेकिन जो इन्होंने मैनेजमेंट की है वो बिल्कुल फारग तरीन मैनेजमेंट। असल में आज इनका पहला दिन था, आज इन्होंने स्टार्ट लिया शायद इस वजह से, लेकिन किसी भी वजह से। लेकिन पहला दिन था, इनको चाहिए था कि एक्स्ट्रा चीज़ें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए, इसी वजह से मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं। लेकिन अब तो दिमाग नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ओवरऑल खाने में इनका सीख कबाब काफ़ी अच्छा था, मलाई रोटी तकरीबन ठीक थी, अच्छी थी, और चिकन दाबू बहुत मजे के थे, पकौड़े सच में मजे के थे, बहुत क्रंची से बड़े ज़बरदस्त किस्म के बने। और ओवरऑल अगर इनको हम रेटिंग दें तो खाने की रेटिंग इनकी अच्छी है, लेकिन मैनेज फिलहाल 5 रेटिंग हम देंगे 10 में से, क्योंकि मैनेजमेंट की बिल्कुल जीरो नंबर। माहौल अच्छा नहीं होगा, जब मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी कोई चीज़ बुफे पे टाइम में पहुंचेगी, और आपको खाने की थोड़ा सा हमने शॉर्ट्स बनाए हैं कि कोशिश की है हमने मेन्यू इनका ठीक तरह से दिखाने की, लेकिन कुछ डिशेज इसमें है ही खाली थी, तो उनमें हम आपको क्या दिखाते हैं। साथ साथ रिव्यू भी इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो माहौल ही इस तरह का नहीं था, मैनेजमेंट अच्छे तरीके से नहीं थी, क्योंकि बुफे की जो डिशेस थी वो खाली पड़ी हुई थी, उनमें कुछ और अभी दिल तो यही कर रहा था कि वीडियो ना बनाए, ख़त्म कर दें, जो बनी है बस ठीक है, वीडियो अपलोड ही ना करें, लेकिन हमने कहा चलो अपलोड करनी चाहिए, एक्सपीरियंस अपना आपके साथ शेयर करना चाहिए कि हमारे साथ ये हुआ है, और इनको भी हमने आज बताया कि इस तरह आपको मैनेज किस तरह करना चाहिए। वो कह रहे हैं इंशाल्लाह कल से हम कोशिश करेंगे कि टेबल पर पहले सर्व करें, उसके बाद मेन्यू जो है ना बुफे में भी वही मेन्यू लगा दें, और उस तरह रश नहीं होगा, सारा कंट्रोल में होगा। सो अगर आप मीरपुर के आसपास या मीरपुर में रहते हैं तो रिकमेंडेड मेरे लिहाज से तो है, लेकिन आज खाने का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था, उनका एटमॉस्फेयर माहौल बहुत अच्छा है, सीटिंग प्लान बहुत अच्छा था, लेकिन सिर्फ एक इशू था, वो था मैनेजमेंट, वो पकौन उनके मैनेजमेंट के कल हमसे कल वो कह रहे हैं बेहतर का बेहतर, उन्हें यह था कि शायद इतनी आवाम ना आए नहीं आएगी, अगर इम्प्रूवमेंट वो लेके आ जाएँ अपने सेटिंग में अपने मैनेजमेंट में तो बेहतर है, खाना अच्छा है, खाना बहुत बेहतर, ट्राई किया जा सकता है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये रिकमेंडेड है। तो अभी हम आपसे लेते हैं इजाज़त, तो इंशाल्लाह अभी रमज़ान बहुत पड़ा हुआ है, किसी के और बुफे में चलेंगे वो भी आपको दिखाएंगे, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इतनी अच्छी बनी नहीं है लेकिन फिर भी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें इस वीडियो को, और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।